ऑन व्हाट्सएप, वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज हम पढ़ने वाले हैं बैक ट्रैकिंग के बारे में। तो बैक ट्रैकिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत बच्चे आके अटक जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली में है भी थोड़ा सा डिफिकल्ट, बट आज हम उसे समझेंगे एक बहुत ही ईजी मैनर में, एंड आई होप उसके बाद आप लोग सारे क्वेश्चन कर पाओगे बैक ट्रैकिंग पे। तो बैक ट्रैकिंग समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। राहुल को तो आप सब जानते ही हो, राहुल जो है वो है एक स्टड लौंडा, ठीक है, बाजू पे टैटू, हाथ में गिटार, स्टड लौंडा। अब राहुल को चाहिए एक गर्लफ्रेंड, राइट। उसके पास तीन ऑप्शंस है, तीन लड़कियां जो इसके साथ डेट पे जाने के लिए तैयार है, स्नेहा, मेहा, नेहा। अब या तो राहुल तीनों के साथ जो है तीन डिफरेंट डेज पे जो है डेट पे जाके और फिर लास्ट में डिसाइड कर सकता है कि अच्छा मेरे को गर्लफ्रेंड किसको बनाना है, किसके साथ मेरे जो सारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो सैटिस्फाई हो रहे हैं, या फिर वो एक ही दिन में जो है तीनों के साथ कर सकता है। कैसे? वो एक के साथ जाए, अगर वहाँ पे उसके कॉन्स्ट्रेंट्स पास नहीं हो रहे हैं तो वहीं से डेट को छोड़ के जो है वापस आ जाए और फिर दूसरे के साथ जाए, राइट। तो ऐसे में जो है एक ही दिन में तीनों के साथ डेट पे जाके डिसाइड कर पाएगा कि किसके साथ जो है उसके कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं वो सारे सैटिस्फाई हो रहे हैं और किसको उसने गर्लफ्रेंड बनाना है। तो सपोज़ वो जाता है स्नेहा के साथ सबसे पहले डेट पे, राइट, और स्नेहा के साथ डेट पे जाके उसे पता चलता है कि स्नेहा तो भाई बहुत ज़्यादा केचप खाती है और राहुल को तो नफरत है केचप से। तो राहुल समझ जाता है कि भाई ये तो आगे बात नहीं बढ़ने वाली, तो वो क्या कर जाता है, वो कर जाता है बैक ट्रैक, ठीक है, वो अपने जो उससे पहला वाला डिसीजन पॉइंट है उस पर वापस आ जाता है। अब वो जाएगा डेट पे मेहा के साथ, तो मेहा जो है वो तो खुद ही राहुल को जो है रिजेक्ट कर देती है क्योंकि मेहा को टैटू वाले लोग पसंद ही नहीं है मेरी तरह। तो अब क्या करेगा राहुल, वो फिर से जो है बैक ट्रैक कर जाएगा, वो अपने वापस जो है डिसीजन पॉइंट पे आ जाएगा और फिर वो जाएगा डेट पे नेहा के साथ। तो नेहा के साथ जो है उसके सारे जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं कि उसको कैचअप नहीं पसंद होनी चाहिए और नेहा को खुद जो है राहुल पसंद होनी चाहिए, वो सब कॉन्स्ट्रेंट्स उसके साथ सैटिस्फाई हो रहे हैं, तो वो जो है नेहा के साथ पूरे डेट पे रहता है और नेहा को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है फाइनली, ठीक है। तो बैक ट्रैकिंग को आप ऐसे समझिए कि बैक ट्रैकिंग में हम हर एक सॉल्यूशन को ट्राई करेंगे लेकिन पूरा पूरा ट्राई करके और लास्ट में जो सॉल्यूशंस हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं सैटिस्फाई कर रहे हैं उनको नहीं निकालेंगे। हमें जैसे ही पता चलता है कि कोई सॉल्यूशन हमारा कॉन्स्ट्रेंट जो है नहीं सैटिस्फाई कर रहा है, हम वहीं से उस सॉल्यूशन को जो है उससे वापस आ जाएंगे और फिर दूसरा सॉल्यूशन ट्राई करेंगे, राइट। तो ये हमारा बैक ट्रैकिंग का डेफिनेशन क्या हो गया। बैक ट्रैकिंग इज़ एन अल्गोरिथमिक टेक्निक, ठीक है, फॉर सॉल्विंग रिकर्सिव प्रॉब्लम। कैसे करते हैं हम दिस, वी डू बाय बिल्डिंग एवरी पॉसिबल सॉल्यूशन इंक्रीमेंटली। इंक्रीमेंटली मतलब कि हम एक एक करके जो है सारे सॉल्यूशंस ट्राई करते हैं एंड हम क्या करते हैं, हम रिमूव कर देते हैं वो वाले सॉल्यूशंस जो हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स को सैटिस्फाई नहीं कर पाते एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। सो इट्स बेटर कि हम पूरा पूरा जो है सारे सॉल्यूशंस निकाल के और फिर लास्ट में अपने कॉन्स्ट्रेंट्स के हिसाब से उनको रिमूव करें। इससे अच्छा कि जैसे ही हमें पता चलता है कि इस सॉल्यूशन से अगर हम जाते हैं या इस तरीके से अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा ये कॉन्स्ट्रेंट सैटिस्फाई नहीं होगा, तो भाई वापस आ जाओ, ठीक है, और दूसरा पाथ जो है तुम ट्राई करो। तो इसको हम बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। अब बैक ट्रैकिंग पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है रैट इन अ मेज। तो एक जो है रैट है क्यूट सा, वो एक मेज में फंस चुका है। अब यहाँ पे मेज ये ऐसा है कि जहाँ पे मैंने डार्क से ये कलर कर रखा है दैट इज ब्लॉक्ड, ठीक है, तो रैट जो है हमारा वहाँ पे नहीं जा सकता। और ये आपको पता है कि वो उसको कहाँ से कहाँ जाना है, दिस इज़ द इनिशियल पॉइंट एंड उसको पहुँचना है इस ब्लॉक में, ठीक है। तो द रैट कैन मूव इन ओनली टू डायरेक्शंस, ठीक है, द राइट डायरेक्शन एंड द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अब हमें बताना है कि वो कैसे जो है लास्ट तक पहुंच सकता है, तो उसका जो पाथ होगा वो क्या होगा। पहले तो हमें बताना पड़ेगा कि क्या पॉसिबल है कि वो स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक वो पहुंच पाए, और अगर पॉसिबल है तो उसका पाथ क्या होगा। तो ये हम कर सकते हैं बैक ट्रैकिंग के थ्रू। कैसे करेंगे हम, हमारे पास हर पॉइंट पे दो सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, दो वेज होंगे टू मूव फॉरवर्ड, एक होगा राइट डायरेक्शन में, एक होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जैसे इनिशियल पॉइंट पे जो है वो आगे तो नहीं बढ़ सकता क्योंकि आगे ब्लॉक्ड है, तो वो क्या करेगा, वो नीचे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से वो नीचे नहीं जा सकता तो वो क्या करेगा, आगे जाएगा। अब सपोज़ इस पॉइंट से वो चला जाता है नीचे,
अब नीचे जाके उसे पता चलता है कि यहाँ से वो आगे नहीं जा सकता, यहाँ से जो है वो अपने सॉल्यूशन तक नहीं पहुँच सकता, राइट, क्योंकि आगे भी ब्लॉक्ड है और नीचे भी ब्लॉक्ड है। तो वो क्या करेगा, जो उससे पहला वाला पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे उसने डिसाइड किया था कि मेरे को राइट जाना है या डाउनवर्ड, वो उस पर जो है बैक ट्रैक कर जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे बैक ट्रैक करना, जो वो वापस गया है अपने उससे पहले वाले पॉइंट पे, उसको बोला बैक ट्रैक। अब यहाँ से वो मूव करेगा आगे, ठीक है, यहाँ से वो नीचे नहीं जा सकता, वो आगे जाएगा। अब यहाँ से भी सपोज़ वो आगे चला जाता है, तो आगे जाके उसे पता चलता है कि भाई ये तो हमारी मेज ख़त्म ही हो गई, तो यहाँ से भी वो अपने सल्यूशन तक नहीं पहुँच पाएगा। तो अब वो क्या करेगा, वो वापस जो है बैक ट्रैक करेगा अपने पहले वाले पॉइंट पे, यहाँ से वो जाएगा नीचे, आगे बढ़ने की जगह नीचे जाएगा। यहाँ से अब वो आगे नहीं बढ़ सकता, तो वो जाएगा नीचे, यहाँ से वो बढ़ेगा आगे, एंड देन फाइनली इट्स इन इट्स पोजिशन, राइट। तो यहाँ पे ये जो मैंने मैट्रिक्स लिख रखा है, ये होगा कि हमें अपना जो इनपुट दे रखा होगा वो कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वन जो है वो डिनोट कर रहे हैं जहाँ पे रैट जो है पहुँच सकता है, जा सकता है, और ज़ीरो वो डिनोट कर रहा है जहाँ पे वो रैट जो है नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये हमें एक 2D मैट्रिक्स के फॉर्म में दे रखा होगा एज इनपुट, और इस क्वेश्चन में जो हम आउटपुट दे रहे होंगे वो ऐसा होगा कि हमें एक 2D मैट्रिक्स देना होगा ऑफ द सेम साइज, जिसमें वंस डिनोट करेंगे कि वो रैट जो है हमारा पाथ क्या ले रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा पाथ था वो कुछ ऐसा था, ठीक है, यहाँ से हम यहाँ गए और फिर यहाँ से ये एंड देन यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हमारा वंस जो है वही पाथ जो है डिनोट कर रहा है, राइट। तो अब इसको हम जब कोड करेंगे तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें एक अलग फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, जो कि हमें बताएगा कि हम किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में जा भी सकते हैं या नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ से सपोज़ वो आगे मूव कर जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन हमें अलग लिखना पड़ेगा ये बताने के लिए कि यहाँ पे भाई तू नहीं मूव कर सकता, ठीक है, या यहाँ पे तुम मूव कर सकते हो। तो उसके लिए हम एक अलग जो है बूलियन फंक्शन बना लेंगे, ठीक है, जो कि चेक करेगा कि वहाँ पे कहीं हमारा ज़ीरो तो नहीं है, क्योंकि अगर ज़ीरो हुआ तो मतलब कि हम वहाँ पे मूव नहीं कर सकते, एंड कि वो जो है हमारे मैट्रिक्स के अंदर हो, ठीक है। तो n अगर साइज है मैट्रिक्स का तो n से लेस हो, राइट, ठीक है। अब ये तो हमें बता देगा कि हम कहाँ पे मूव कर सकते हैं और कहाँ पे नहीं। अब हम ट्राई कैसे करेंगे हर एक सॉल्यूशन, तो हम रिकर्सिवली उसके लिए हमें कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे पहले जो है राइट डायरेक्शन के लिए, और फिर हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। अब दोनों जब हम रिकर्सिव कॉल्स करेंगे तो हमें उन रिकर्सिव कॉल से पता चलेगा कि अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो क्या हमें आगे जाके इसका जो है सॉल्यूशन मिल सकता है। अगर मिल सकता है तो वो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। अगर नहीं मिल सकता तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। तो अगर ट्रू रिटर्न कर जाता तो भाई ठीक है भाई रिटर्न कर दो फिर ट्रू, अगर फॉल्स रिटर्न कर देता तो हम क्या करेंगे, हम बैक ट्रैक कर जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे किया था, हमें पता चल गया कि नीचे जाने से हमें नहीं मिलेगा अपना सॉल्यूशन, तो हमारा यहाँ पे जो होगा, हम जब डाउनवर्ड के लिए रिकर्सिव कॉल करेंगे तो हमें रिटर्न कर देगा फॉल्स, तो हम वापस जो है बैक ट्रैक कर जाएंगे, हम वापस इस पॉइंट पे आ जाएंगे और हम ट्राई करेंगे कि हम दूसरे डायरेक्शन में जाए, राइट। तो अब इसको हम करते हैं कोड। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है अपना फंक्शन बना लेंगे जो हमें बताएगा कि हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जा भी सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो हम उस फंक्शन को लिखेंगे बूल इज सेफ, ठीक है। इसमें जा रहा होगा हमारा एरे, ठीक है। यहाँ पे जो एरे है इसको मैं डायनेमिकली जो है इसके लिए मेमोरी एलोकेट कर रही होंगी, ठीक है। तो ये स्टार स्टार पॉइंटर जो है एरे के लिए हम पास कर रहे होंगे, और हम यहाँ पे पास करेंगे इंट x और int y, ठीक है, जो कि डिनोट कर रहा होगा कि हम कौन से पर्टिकुलर जो है ब्लॉक के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा यहाँ पे होगा int n, जो कि हमारा जो 2D मैट्रिक्स है उसका साइज होगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स ही ले के चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे होंगे, हम चेक कर रहे होंगे कि सबसे पहले x शुड बी लेस देन n एंड y शुड बी लेस देन n एंड
जो हमारा r ऑफ x एंड y है, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, दैट शुड बी इक्वल टू वन. ठीक है, तो अगर वन है तभी हम वहाँ पे जा सकते हैं. तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे क्या, ट्रू, वरना अगर इसमें से कुछ भी फॉल्स होता है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स. राइट, तो ये हमारा फंक्शन हो गया टू चेक कि हर एक जो ब्लॉक है वहाँ पे हम हमारा रैट जो है जा भी सकता है या नहीं. अब हम लिखते हैं हमारा जो मेन फंक्शन है. ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगी रैट इन मेज, और यहाँ पे हमारा जा रहा होगा अगेन द एरे. ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था दिस एरे जो हमारा इनपुट होगा, और यहाँ पे होगा इंट एक्स और इंट वाई. ठीक है, ताकि हम ट्रैक कर सकें कि हम कौन से अपने 2D मैट्रिक्स में पोजीशन पे है, और होगा इंट एन. इसके अलावा हमें जो है, जो हमें आउटपुट देना है, एक सॉल्यूशन जो देना है हमें, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन एरे. ठीक है, तो उसको भी हम अपने फंक्शन में पास कर रहे होंगे, सॉल्यूशन एरे. राइट, अब यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या एक्स वाई जो पोजीशन है वो सेफ है या नहीं, मतलब वहाँ पे जा सकते हैं या नहीं, हम नहीं हमारा चूहा. तो एक्स वाई और एन मैंने पास कर दिया यहाँ पे, तो ये हमें बता देगा कि वो एक्स वाई पे हम जा सकते हैं या नहीं. अगर जा सकते हैं, आई डोंट नो मैं बार बार हम क्यों बोल रहा हूँ, बट गेट इट, आई एम टॉकिंग अबाउट द रैट. ठीक है, तो क्या करेंगे हम, हम यहाँ पे अब उस पोजीशन पे जो है सॉल्यूशन एरे में एक्स कॉमा वाई पे कर देंगे वन सेट. ठीक है, तो अभी हो सकता है कि इसको वन सेट करने से या इस रास्ते से हमें फाइनली आंसर ना मिल रहा हो, बट वो हम बाद में चेक करेंगे. अभी के लिए हम अज्यूम करें कि हाँ, जो हम रास्ता ले रहे हैं उससे हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो हमने वहाँ पे जो है वन सेट कर दिया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे किसके लिए, दोबारा फंक्शन के लिए, जो हमारा रैट एंड मेज फंक्शन है. यहाँ पे हमारा जाएगा एर, और हम क्या कर देंगे यहाँ पे एक्स की जगह कर देंगे एक्स प्लस वन. ठीक है, तो हम राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे एन एंड सॉल्यूशन एर. अब अगर यहाँ पे हमें राइट डायरेक्शन में आगे मूव करने से सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है, ये जो है ये हमें ट्रू तभी देगा जब आगे एक्स डायरेक्शन में मूव करने से हमें हमारा सॉल्यूशन मिल रहा है, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू. या फिर सपोज हमें यहाँ पे ये ट्रू नहीं देता है, तो हम क्या कर रहे होंगे, हम यहाँ पे एक्स को इंक्रीमेंट करने की जगह हम वाई को इंक्रीमेंट कर देंगे. ठीक है, राइट डायरेक्शन में मूव करने की जगह हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, और अगर इससे हमें ट्रू मिल जाता है तो भी हम रिटर्न कर देंगे ट्रू. राइट, अब सपोज हमें दोनों जो है इफ कंडीशंस में ट्रू नहीं मिलता, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने पाथ जो है फॉलो कर रहे हैं हम, उससे हमें फाइनली सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे बैक ट्रैक. अब बैक ट्रैक के लिए सबसे पहले तो हमें रिटर्न करना पड़ेगा फॉल्स. ठीक है, लेकिन ये करने से पहले हम क्या करेंगे, हम अपने सॉल्यूशन एरे में जो हमने वन सेट कर दिया था इसको हम कर देंगे ज़ीरो. ठीक है, तो यार ये जो हमने वापस जो है अपने इनिशियल पॉइंट पे आके उसको चेंज किया है ना, अपने जो हम सॉल्यूशन फॉलो कर रहे थे, जो हम पाथ फॉलो कर रहे थे, उसको मैंने चेंज कर दिया, तो यार इसी को बोलते हैं हम बैक ट्रैकिंग. ठीक है, और ये करने के बाद हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स. और अगर एक्स वाई आता ही नहीं है हमारा इस सेफ, तो हम तो भी रिटर्न कर देंगे फॉल्स. अब आते हैं हमारा बेस जो कंडीशन होगा, तो बेस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि अगर हमारा रैट जो है फाइनली अपने जिस पोजीशन पे हम चाहते हैं वहाँ पे पहुँच गया है, तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे. राइट, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि इफ़ x इज इक्वल टू n माइनस वन एंड y इज इक्वल टू n माइनस वन. तो उस केस में सबसे पहले हम सॉल्यूशन एरे में जो है उस पोजीशन पे वन सेट कर देंगे, ठीक है, ताकि उसका पाथ हमें पता चल जाए, और फिर हम रिटर्न कर देंगे ट्रू. ग्रेट, तो अब जो है हमारा जो ये फंक्शन हमने लिखी है इसको कॉल करके देखते हैं. उसके लिए सबसे पहले हमें जो है अपना इंट एर
जो है 2D मैट्रिक्स और जो सोल्यूशन आ रहा है वो बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमने साइज़ ले लिया यूज़र से, ठीक है, हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स का। उसके बाद जो मैंने जैसे भी बोला कि हम जो मेमोरी एलोकेट कर रहे होंगे हमारे एरे के लिए वो होगा थ्रू डायनेमिक एलोकेशन, राइट। तो वो भी आप सीख लीजिए यहाँ पर कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये लिखोगे इन स्टार स्टार एर इज इक्वल टू न्यू इन स्टार एन। उसके बाद हर एक जो है एरे के लिए, जो एक 1D एरे होगा उसके लिए आपको अलग से जो है मेमोरी एलोकेट करने के लिए दोबारा फॉर लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगी एर ऑफ आई इज इक्वल टू न्यू इंट एन, ठीक है। तो इससे जो है हमारी मेमोरी जो है एलोकेट हो गई 2D एरे की ऑफ साइज n इंटू n। अब हम क्या करेंगे, हम दो फॉर लूप्स लगा देंगे, ठीक है, ताकि हम ये एरे को इनपुट ले लें। तो ये होगा 0 से n तक, राइट। और यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, इनपुट ले रहे होंगे एर ऑफ आई जे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एरे। अब सॉल्यूशन एर पे आते हैं, तो उसके लिए भी हम मेमोरी जो है ऐसे ही एलोकेट कर रहे होंगे, राइट। और हम क्या करेंगे, इसको पहले चेंज कर देती हूँ सॉल्यूशन आर। अब यहाँ पे हमें जो है उसको इनिशियलाइज भी करना है 0 से अपने सॉल्यूशन आर को, है ना, वरना हो सकता है कि हमारा कंपाइलर जो है कुछ गार्बेज वैल्यू दे दे। तो उसके लिए हम दोबारा जो है एक फॉर लूप लगाएंगे, राइट। और इसमें हम जो है हर एक सॉल्यूशन आर ऑफ आई जे को पुट कर देंगे एज 0, ठीक है। तो ये हमारा आर बन गया, सॉल्यूशन आर बन गया। अब कर सकते हैं हम अपने फंक्शन को कॉल। तो अगर जो है रैट इन मेज फंक्शन जिसमें हम आर पास कर रहे हैं और एक्स और वाई जो है वो 0 होगा, एन हमने इनपुट ले लिया और सॉल्यूशन आर, तो अगर ये हमें ट्रू देता है तो हम क्या करना चाहते हैं, हम अपने सॉल्यूशन आर को प्रिंट करना चाहते हैं, राइट। तो इसके लिए मैं यही कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे हम लिख देंगे सी आउट ऑफ सॉल्यूशन आर आई जे, ठीक है। तो हमने अपने सॉल्यूशन आर को जो है अपने रैटन मेज फंक्शन में भेज दिया और फिर हमने वहाँ पे जो भी चेंजेस होने के बाद उसको हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं डाल देती हूँ स्पेसेस और ये लूप ख़त्म होने के बाद लाइन ब्रेक, ताकि हमें अच्छे से दिखे, राइट। और जो मैंने यहाँ पे ले रखा था एग्जांपल में हमारा 2D मैट्रिक्स, वही मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब इसको करते रन, तो यहाँ पे हमारा जो रोज थे वो थे 5 और ये था हमारा, तो यहाँ पे हमारा इसलिए नहीं आ रहा था सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे हमने गलती से 2 बारी लगाती थी, तो जो कंपाइलर है वो उसे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर समझ रहा होगा। ओके, let's do this again and we have our solution array, right? So आप path देखोगे तो ये वही है जो हमने वहाँ पे देखा था, ठीक है। So this was the rat in maze problem. In the next video, we'll be doing another important question on backtracking. So that's all for this video. Thank you all for watching and I'll see you in the next one. Bye bye, take care.